हेलो फ्रेंड्स आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं गैलोइस थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या एग्ज़ाम्पल्स जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं सो चले चलते हैं इसके एग्ज़ाम्पल की ओर कि इसमें एग्ज़ाम में किस टाइप से एग्ज़ाम्पल पूछे जाते हैं तो हम लोग आज करने वाले हैं इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ये रहता है हमें एग्ज़ाम में इस प्रकार से दिया रहेगा कि फाइंड द गैलोइस ग्रुप ऑफ एक्स टू दी पावर थ्री माइनस टू बिलोंग्स टू क्यू एक्स तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना है so, तो, दिया गया जो इक्वेशन में पोलिनोमियल है वो हम लोग क्या मान रहे हैं उसको इरिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू का एंड द रूट ऑफ एक्स टू दावर थ्री माइनस टू बिलोंग्स टू क्यू एक्स इन द फील्ड सी सो so, इसलिए वी फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है तो हमें सपोज करके चलना होगा कि जो इक्वेशन है वो हम लोग का जीरो के इक्वल है तो एक्स टू दावर थ्री माइनस टू इक्वल ज़ीरो इस प्रकार ये हो जाएगा एक्स टू दावर थ्री इक्वल टू या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं एक्सो एक्स टू दावर थ्री इक्वल रूट टू एंड स्क्वायर तो इसका रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा रूट से रूट या स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हम लोग को वन बाई थ्री इस प्रकार से हम इसे घन रूट या क्यूब रूट मान सकते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट टू सो कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो हमें प्राप्त हो जाएगा क्यूब रूट टू एंड क्यूब रूट टू ओमेगा एंड क्यूब रूट टू ओमेगा स्क्वायर क्योंकि जो पॉलिनोमियल हम लोग राइट करते हैं तो उसमें इसको इस प्रकार से राइट किया जाता है इस प्रकार से तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा लिख सकते हैं इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हम लोग का परिणाम हो जाएगा श्यर ओमेगा इज एन इमेजनरी क्यूब तो ये हम लोग का जो क्यूब है वो इमेजनरी क्यूब है दैट मीन्स पॉलिनोमियल ओमेगा प्रति पॉल थ्री इक्वल वन लेकिन जो ओमेगा होगा वो नॉट इक्वल होगा वन का एंड सटिस्फाई द रिलेशन वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वाक्वल जीरो नाउ प्रूव दैट ई इज इक्वल टू क्यू क्यूब रूट टू ओमेगा इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स टू दवर थ्री माइनस टू ओवर क्यूँ तो हम राइट कर सकते हैं इसको कि एक्स टू दॉवर थ्री माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस क्यूब रूट टू एक्स माइनस क्यूब रूट टू ओमेगा एक्स माइनस क्यूब रूट टू ओमेगा स्क्वायर सो वी नो दैट द स्प्लिटिंग फील्ड एक्स टू दवर थ्री माइनस टू एज ओवर क्यूँ इज ऑफ द डिग्री सिक्स इस प्रकार से इसका जो डिग्री होता है वो कितना होता है सिक्स हो जाता है सो क्यों क्यूब रूट टू ओमेगा सच देट क्यू इज इक्वल टू सिक्स क्योंकि डिग्री हम लोग अभी निकालें कितना है सिक्स है इस प्रकार से हम लोग इसको इसे लिख सकते हैं देन क्यों क्यूब रूट टू ओमेगा विल बी द स्प्लिटिंग फील्ड एक्स टू दवर थ्री माइनस टू ओवर क्यू तो हमें इस प्रकार से राइट करना होता है तो आगे हमें ये देखना है कि इसका डिग्री सिक्स है तो क्या कर सकते हैं तो नौ क्यों क्यूब रूट टू में सच दैट क्यों इज इक्वल टू क्यों क्यूब रूट टू में सच दैट क्यों क्यूब रूट टू एंड सेकेंड हो जाएगा क्यों क्यूब रूट टू सच दैट क्यूँ तो हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट करेंगे इन द पॉलिनोमियल ऑफ क्यूब रूट टू ओमेगा क्यूब रूट टू ओवर क्यू इस एक्स टू डिपोर थ्री माइनस टू बिलोंग्स टू क्यू एक्स एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री तो इसके लिए इसका पॉलिनोमियल डिग्री कितना होता है थ्री होता है तो क्यों क्यूब रूट टू सच दैट क्यू इज इक्वल टू थ्री ये इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर टू एंड सो वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑफ फर्स्ट डिग्री तो ये फर्स्ट जो डिग्री होगा वो इसे संतुष्ट नहीं करेगा सेटिस्फाई नहीं करेगा देन ओवर क्यों रूट टू क्यों बिकॉज ओमेगा नॉट बिलोंग्स टू क्यों रूट टू क्योंकि जो ओमेगा है वो क्यूब रूट टू को बिलोंग नहीं करता है बट ओमेगा इज अ रूट ऑफ द इड्यूसीबल पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जबकि उसका जो इरेड्यूसीबल पोलिनोमियल है वो इस प्रकार से है जो इसमें है हैं क्यूब रूट टू एक्स है तो हमें कुछ बेसिक चीज को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना होता है बस यही चीज हम लोग का अपने सॉल्यूशन को करते जाएंगे तो हम लोग को प्रूफ हो जाएगा थे प्लस एक्स प्लस वन इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ओमेगा ओवर आर क्यू क्यूब रूट टू तो जो इक्वेशन हम लोग को प्राप्त होगा वो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा जो किसके लिए सो बीटा इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड बीटा इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन क्यूब रूट टू प्लस ए टू क्यूब रूट टू के स्क्वायर प्लस ए थ्री ओमेगा प्लस ए फोर ओमेगा क्यूब रूट टू प्लस ए फाइव ओमेगा क्यूब रूट टू का स्क्वायर तो पोलिनोम को इस प्रकार से हम लोग राइट करेंगे तो इस से लिख सकते हैं सो वी हैव सिग्मा बीटा इज इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन सिग्मा क्यूब रूट टू प्लस ए टू सिग्मा क्यूब रूट टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री सिग्मा ओमेगा प्लस ए फोर सिग्मा ओमेगा सिग्मा क्यूब रूट टू प्लस ए फाइव ओमेगा सिग्मा ओमेगा एंड सिग्मा क्यूब रूट टू का स्क्वायर तो इसके लिए हमें एक टेबल तैयार करना होता है उस टेबल को हम लोग मान सकते हैं कि वो हम लोग का हटो ग्रुप टेबल है तो ये हो जाएगा आई सिग्मा सिग्मा स्क्वायर टाउ एंड सिग्मा टाउ एंड सिग्मा स्क्वायर टाओ तो क्यूब रूट टू इसके लिए हो जाएगा क्यूब रूट टू उसके बाद ओमेगा क्यूब रूट टू उसके बाद ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट टू और इस टाउ के लिए हो जाएगा तो क्यूब रूट टू एंड ओमेगा क्यूब रूट टू एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट टू और इस ओमेगा के लिए फिर हो जाएगा ओमेगा 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 एमोगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर सो हैंज द गैलोवीज जी ई बाई क्यू इज इक्वल टू आई सिग्मा सिग्मा स्क्वायर टाउ एंड सिग्मा टाउ एंड सिग्मा स्क्वायर टाउ ऑफ एक्स टू दी पॉ थ्री माइनस टू बिलोंग्स टू क्यू एक्स इज द ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक्स ऑफ द ट्रेंगल तो इसका सिमेट्रिक जो मिलेगा वो ट्रेंगल होगा इस प्रकार से हम लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कंप्लीट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग